हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक हम देख रहे हैं हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर ट्वेल्थ साइंस और ट्वेल्थ साइंस का देख रहे हैं हम केमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर टू सॉल्यूशंस आज है लेक्चर नंबर फोर्टीन एक बड़ा टॉपिक है और हम स्लोली डिटेल में ले रहे हैं हम देख रहे हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ तो आज लास्ट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हमें देखनी है फोर्थ वन दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर जिसे पाए से डिनोट किया जाता है इसका है पार्ट वन तो आज के लेक्चर में हमें देखना है डिफ्यूजन क्या होता है ऑस्मोसिस क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा आइसोटोनिक हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशंस क्या होते हैं तो इन सारे टर्म्स को हम डिटेल में जानेंगे तो चलो स्टार्ट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पार्ट वन विथ व्हीम अकेडेमी नासिक नेक्स्ट क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी हमें देखनी है लास्ट क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर पता होने से होने से पहले डिफ्यूजन क्या होता है ऑस्मोसिस क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए तो थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले हम कॉन्सेंट्रेशन और डायलूटेड सोल्यूशन को समझ लेते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है सपोज आपने हंड्रेड एम वाटर में आपको हंड्रेड एम वाटर दिया था बीकर में उसमें आपने ऐड किया है टेन ग्राम ऑफ सॉल्ट कोई भी सॉल्ट ले लो एन या और कोई सॉल्ट तो इससे जो सोल्यूशन बना इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा मैं इससे C1 कहती हूँ टेन ग्राम ऑफ सोल्यूट मतलब सॉल्ट हंड्रेड एम एल वाटर में मतलब सोलेंट में डिजॉल्व हो गया दूसरे बिकर में आपने क्या किया हंड्रेड एम एल वाटर ही रखा और इसमें आपने सेवन ग्राम सॉल्ट को ऐड कर दिया तो इसका भी अलग कॉन्सेंट्रेशन होगा जिससे हम C2 कहेंगे तो देखो अभी इन दोनों को एक दूसरे के साथ हमें कंपेयर करना है कॉन्सेंट्रेशन को तो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो दोनों के कंपेरिजन में ये जो सोल्यूशन होगा ये क्या होगा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होगा और दूसरा क्या होगा डायलोटेड सोल्यूशन होगा क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेशन होता है सोल्यूशन का वो किस पे डिपेंड होता है इट इज डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट आपने कितना अमाउंट सोल्यूट का ऐड किया है उस पर क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड होता है यहाँ पे टेन ग्राम सोल्यूट था तो कॉन्सेंट्रेशन सी वन क्या होगा हाइयर होगा दैन द सी टू तो कॉन्सेंट्रेटेड और डायलूटेड टर्म को अच्छे से समझ लो मतलब क्वांटिटी जो आपका सॉल्वेंट था वो सॉल्वेंट का अमाउंट क्या था सेम था सोल्यूट का अमाउंट चेंज हुआ एक जगह पे टेन एम एक जगह पे टेन ग्राम है दूसरे जगह पे सेवन ग्राम है तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म होंगे तो दोनों को एक दूसरे के साथ जब कंपेयर करोगे तो C1 का कॉन्सेंट्रेशन C2 से क्या होगा ज्यादा होगा अभी दोनों को देखो इसे देखोगे तो ये जो C1 होगा इसमें क्या होगा टेन ग्राम है मतलब यहाँ पे क्या हो गया सोल्यूट एक्सेस हो गया एज कंपेयर टू सेकंड और सेकंड को फर्स्ट के साथ कंपेयर करोगे तो उसमें क्या हो गया है सॉल्वेंट एक्सेस हो गया है डायरूटेड सोल्यूशन में क्या होता है सॉल्वेंट एक्सेस होता है और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में क्या होता है सोल्यूट एक्सेस होता है तो मतलब सी वन में क्या होगा सोल्यूट एक्सेस होगा और सी टू में क्या होगा सॉल्वेंट एक्सेस होगा तो C1 को हम कहेंगे मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन एंड एज कंपेयर टू सी वन क्या हो जाएगा इट इज़ द डायलोटेड सोल्यूशन और लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन तो इन टर्म को हमें यूज़ करना है इसीलिए मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ तो चलो अभी हम देखते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है अगर डिफ्यूजन नहीं समझ में आया तो ऑस्मोसिस कभी भी समझ में नहीं आएगा तो डिफ्यूजन हम देख रहे हैं तो हमने अभी जो दो सोल्यूशन लिए थे उन दोनों सोल्यूशन को अभी हम एक टैंक में लेने वाले तो सपोज़ ऐसे समझो कि मेरे पास क्या है एक टैंक था ओके एक कंटेनर है जिस कंटेनर में मैंने एक सिंपल मेम्ब्रेन लगा दिया है सिंपल सस्ता वाला मेम्ब्रेन, जो दो सोल्यूशन को क्या कर रहा है सिर्फ सेपरेट कर रहा है तो ये क्या है सिंपल मेम्ब्रेन, है तो अभी हमारे पास दो सोल्यूशन थे तो इस सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है सीवन इसका सी टू है और हम देख चुके हैं कि सीवन का कॉन्सेंट्रेशन सी टू से क्या है ज्यादा है तो ये आपका सोल्यूशन वन है और ये आपका सोल्यूशन क्या है यहाँ पे लिख देती हूँ ये सेमी पर, पर स, सिंपल मेम्ब्रेन है ये आपका सोल्यूशन टू है ओके तो आपने यहाँ पे सोल्यूशन को फिल कर दिया है अभी क्या होगा देखो नेचुरली क्या होगा तो यहाँ पे क्या है ये जो सोल्यूशन है ये क्या है मोर कॉन्सेंट्रेटेड है क्यों मोर कॉन्सेंट्रेटेड है बिकॉज इसमें सोल्यूट के पार्टिकल ज्यादा है तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ यहाँ पे सोल्यूट क्या है एक्सेस अमाउंट में एज कंपेयर टू सेकंड और यहाँ पे क्या है ये ये लेस कॉन्सेंट्रेटेड है इसे डायलूटेड भी कह सकते हो तो लेस कॉन्सेंट्रेटेड है यहाँ पे किसके पार्टिकल ज्यादा है सोलवेंट क्या है यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में तो इसे दो सोल्यूशन है दोनों सोल्यूशन को हमने क्या कर दिया सेपरेट कर दिया सीवन सी टू आर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन तो क्या होगा देखो नेचुरली क्या होता है जब ऐसे हम दो सोल्यूशन को सेपरेट करते हैं और एक सिंपल सा सस्ता वाला मेमब्रेन लगा देते हैं जो सस्ता और टिका हुए तो क्या होगा ये जो साइड होगा इस साइड में क्या है सोल्यूट के पार्टिकल ज़्यादा है तो ये क्या होंगे मेमब्रेन थ्रू क्या होंगे इस साइड में पास होने लगेंगे कौन से पार्टिकल सोल्यूट के पार्टिकल ओके सेम टाइम इस साइड में क्या थे सॉल्वेंट एक्सेस था तो इस साइड से इस साइड में क्या मूव होने लगेगा सॉल्वेंट मूव होगा थ्रू द मेम्ब्रेन तो डिफ्यूजन इससे कहा जाता है तो डिफ्यूजन क्या है द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या था सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था तो सोल्यूट यहाँ से यहाँ पे मूव हो रहे यहाँ पे सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था तो सॉल्वेंट यहाँ से इस साइड में मेम्ब्रेन थ्रू क्या हो रहा है मूव हो रहा है ये मूवमेंट कब तक होती रहेगी जब तक दोनों साइड के कॉन्सेंट्रेशन C1 का कॉन्सेंट्रेशन जब तक C2 जैसा नहीं होता तब तक ये मूवमेंट होती रहेगी उसे क्या कहा जाएगा डिफ्यूजन तो डिफ्यूजन को अच्छे से समझ लो कि एक सिंपल मेम्ब्रेन से जब आप दो सोल्यूशन को क्या करते हो सेपरेट करते हो तो क्या हो जाएगा नेट मूवमेंट होगी नेट मूवमेंट मतलब दोनों साइड से टू वे मूवमेंट होंगी यहाँ पे एनी सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे सोल्यूट हायर था तो सोल्यूट के पार्टिकल मेम्ब्रेन थ्रू इस साइड पास हो रहे हैं यहाँ पे सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था सॉल्वेंट के पार्टिकल मेम्ब्रेन थ्रू इस साइड पास हो रहे हैं कब तक होता रहेगा ये जब तक आपका C1 और सी टू दोनों सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं हो जाता सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल दोनों साइड में जब तक सेम नहीं होते तब तक ये मूवमेंट होती रहेगी इसे कहा जाएगा डिफ्यूजन तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन होगी नेट मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड एज द डिफ्यूजन तो यहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है ये मूवमेंट मैंने पहले जैसे बताया कब तक होती रहेगी जब तक तो दोनों साइड का कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं होता और जब दोनों साइड का कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा द रिएक्शन इट एट इक्विलिब्रियम ये कहाँ पे पहुँच जाएगी इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पे मतलब जितने सोल्यूट के पार्टिकल यहाँ पे पास होंगे उतने सॉल्वेंट के पार्टिकल यहाँ पे पास होंगे तो वो अपने इक्विलिब्रियम को क्या कर लेगा फॉर्म कर लेगा अभी हमें क्या करना है अभी इस मेम्ब्रेन को हमें चेंज करना है ये जो सस्ता टिकाऊ मेम्ब्रेन था सिंपल वाला अभी हमें ये मेम्ब्रेन नहीं चाहिए हम अभी एक स्पेशल मेम्ब्रेन यूज करेंगे जिसे कहा जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये एक स्पेशल टाइप का मेम्ब्रेन है आपके बुक में इसे कहा जाता है एस पी एम आपके टेक्स्ट बुक में एस पी एम ऐसा वर्ड यूज है सेमी परमिबल मेम्ब्रेन तो अगर मैंने यहां पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया तो क्या चेंजेस होंगे देखो अभी ये जो सेमी परमिबल मेम्ब्रेन होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि सेमी परमिबल मेम्ब्रेन पे बहुत क्वेश्चन टर्म सेमी परमेबल मेमरे तो ये जो मेमब्रेन होता है ये फिल्म, होती. फिल्म मतलब थीन कोटिंग होता है ये फिल्म किसकी हो सकती मैं यहाँ पे नाम लिख रही हूँ ये फिल्म हो सकती है सबसे पहले यूज हो सकता है सेलोफेन सेलोफेन नाम का एक केमिकल है इस केमिकल से बनी हुई हो सकती है, ये फिल्म इस फिल्म में क्या होते हैं छोटे छोटे पोर्स होते होल्स होते इस मेमब्रेन में बहुत छोटे होल्स होते हैं जो हमें आंखों से दिखेंगे भी नहीं पोर्स होंगे पोर्स का मीनिंग होगा स्मॉल होल्स इसमें क्या होते हैं छोटे छोटे पोर्स होते वो क्या अलाउ करेंगे वो सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल को अलाउ करते सोल्यूट के पार्टिकल को वो अलाउ नहीं करते टू पास थ्रू इट तो इसीलिए सेमी परमिएबल कहा जाता है सिर्फ सॉल्वेंट को पास करता है सोल्यूट को ये पास नहीं कर सकता तो सेमी परमिएबल मेम्बरेन को कैसे डिफाइन करोगे सेमी परमिएबल मेम्बरेन इज अ फिल्म सच एज अ सेलोफेन विच हैज द दोअर लार्ज इनफ टू अलाउ सॉल्वेंट मोलिक्यूल टू पास थ्रू देम सिर्फ सॉल्वेंट के मोलिक्यूल को पास कर सकते क्योंकि सॉल्वेंट के मोलिक्यूल की साइज छोटी होती है एज कम्पेयर टू सोल्यूट तो ये मेम्ब्रेन क्या कर सकती है सिर्फ उसे ही क्या कर सकती है पास कर सकती है तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इस फिनमिनान में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसी पे ये फिनोमिन डिपेंड है तो ये जो पोर्स होंगे सेमी परमिबल मेम्ब्रेन के ये बहुत ही छोटे होते हैं जो सोलिड पार्टिकल को पास नहीं कर सकते वो आयन को भी पास नहीं कर सकते तो यहाँ पे क्या होगा हाइयर साइज के जो मोलिक्यूल होंगे हायर मास वाले उनको ये मेम्ब्रेन पास नहीं कर सकती किसे पास करती है ओनली द सॉल्वेंट को तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक सिलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है जो पास करेगी सॉल्वेंट मोलिक्यूल को तो सेमी परमिबल मेम्ब्रेन के बारे में बहुत सारी जानकारी आप लोगों को मिल चुकी तो ये इसमें क्या होते हैं छोटे छोटे होल्स होते हैं और उनमें से सिर्फ सॉल्वेंट क्या हो सकता है पास हो सकता है तो क्या क्या होगा एग्जाम्पल सेलोफेन से बनी हुई हो सकती है दूसरा और एक केमिकल होता है जिसे कहा जाता है कॉपर फेरोसाइनाइड तो कॉपर फेरोसाइनाइड की भी हो सकती है ये मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर कोई एनिमल मेम्ब्रेन भी यूज होता है तो एनिमल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। आर द ऑफ सेमी परमेबल कभी-कभी में एग्जाम्पल आ जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए सेलोफेन कॉपर फेरोसाइनाइड एंड एनिमल मेम्ब्रेन आर यूज एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अभी ये यू हमने ऐड कर दी तो ये मेम्ब्रेन ऐड करने की वजह से क्या चेंजेस होंगे देखो ये मेम्ब्रेन हमने ऐड कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा सिर्फ सॉल्वेंट के मोलिक्यूल को पास करेगी ये सोलिड को मोलिक्यूल को पास नहीं कर सकती तो यहाँ पे सिर्फ एक ही मूवमेंट होगी सॉल्वेंट अपने हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव होगा कब तक मूव होता रहेगा जब तक दोनों साइड में सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं होता तब तक तो ये हो गई सेमी परमिएबल मेमरी तो इस पर आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन भी है सोलवेंट एंड इट्स सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन होलाटाइल सोल्यूट आर सेपरेटेड बाई सेमी परमेबल मेम्रेन डज द फ्लो ऑफ सोलवेंट ऑकर बोथ डायरेक्शन कमेंट गिविंग रीजन तो क्या क्वेश्चन पूछा है उन्होंने कि एक सॉलवेंट है सोल्यूशन बनाते वक्त उसमें नॉन होलाटाइल सोल्यूट को एड कर दिया है और सेमी परमेबल मेमरेन से सेपरेट कर दिया है तो क्या है यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है सॉल्वेंट का ऑकर होगा क्या दोनों डायरेक्शन में तो टू वे यहाँ पे होगा क्या तो इस साइड से सॉल्वेंट इस साइड में और ऐसे टू वे यहाँ पे दिखेगा क्या ऐसा क्वेश्चन है तो देखो क्या लिख सकते हैं इसका आंसर हम वेन अ सोल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट और टू सोल्यूशंस ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन आर सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेमरेन द सॉल्वेंट मोलिक्यूल पास थ्रू द मेम्ब्रेन तो जब ये आप क्या करते हो किसी भी दो सॉल्यूशन को दो प्योर सॉल्वेंट को या दो सॉल्यूशन जिनका कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है उनको अगर आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ऐसे सेपरेट करते हो दो पार्ट में तो यहाँ पे क्या होता है सॉल्वेंट मोलिक्यूल क्या होते पास होते थ्रू द मेम्ब्रेन तो सिर्फ सॉल्वेंट के मोलिक्यूल क्या होंगे मेम्ब्रेन थ्रू पास होंगे क्योंकि इसके होल बहुत छोटे होते हैं सिर्फ सॉल्वेंट को क्या कर सकते पास कर सकते द पैसेज द पैसेज ऑफ द सॉल्वेंट मोलिक्यूल थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में हो सकता है यहाँ के सॉल्वेंट मोलिक्यूल यहाँ पे जा सकते हैं वैसे यहाँ के सॉल्वेंट मोलिक्यूल यहाँ पे आ सकते हैं तो ये दोनों डायरेक्शन में हो सकता है क्यों सॉल्वेंट इन बोथ साइड यहाँ पे पॉसिबल है क्योंकि मेम्ब्रेन के दोनों साइड में सॉल्वेंट प्रेजेंट इस साइड में भी सॉल्वेंट है और इस साइड में भी सॉल्वेंट है तो दोनों साइड का मूवमेंट यहाँ पे पॉसिबल है तो यहाँ पे जो रेट होगा पासिस ऑफ सॉल्वेंट मोलिकूल का इंटू सोल्यूशन ये कहाँ से होगा फ्रॉम द मोर डायलुटेल सोल्यूशन टू द मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन एंड इट फाउंड द ग्रेटर दैन द रेट ऑफ द रिवर्स डायरेक्शन तो क्या होगा यहाँ पे जो मूवमेंट होगी मोर कॉन्सेंट्रेट जो लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है वहाँ से क्या होगा मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ मूवमेंट होगा और यहाँ से उस साइड में भी मूवमेंट पॉसिबल है दिस इज फेवरेबल सिंस द वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट आर ग्रेटर दैन द सोल्यूशन ये कब तक होता रहेगा जब तक वेपर प्रेशर सॉल्वेंट की क्या है ग्रेटर है सोल्यूशन तब तक होता रहेगा तो आपको याद रखना है कि सेमी परमेबल मेमर से आप किसी भी दो सोल्यूशन को क्या करते हो सेपरेट करते हो तो मूवमेंट जो होगी टू वे रहेगी दोनों साइड से होगी। ओके okay, अभी हमें देखना है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म ऑस्मोसिस जब तक ऑस्मोसिस पता नहीं पता नहीं चलता तब तक ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में नहीं आएगा तो चलो ऑस्मोसिस को समझने के लिए हमें ये दो डायग्राम देखना बहुत ज़रूरी है तो यहाँ पे देखो दो सोल्यूशन सेपरेट किए बाय सेमी परमेबल मेम्रेन यहाँ पे भी दो सोल्यूशन सेपरेट किए सपोज इस ये हमारा क्या था सॉल्वेंट था ऐसे समझो सॉल्वेंट था या प्योर सॉल्वेंट कह सकते हो प्योर सॉल्वेंट कहो उसमें आपने क्या कर दिया थोड़ा सा क्या है सोल्यूट ऐड कर दिया तो यहाँ पे ये बन गया सोल्यूशन यहाँ पे आपने क्या लिया था सोल्यूशन था लो कॉन्सेंट्रेशन का और यहाँ पे सोल्यूशन था हायर कॉन्सेंट्रेशन अभी लोअर और हायर कॉन्सेंट्रेशन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जिसमें सोल्यूट के पार्टिकल ज़्यादा होते उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा जिसमें सोल्यूट के पार्टिकल लेस होते उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो क्या होगा द मूवमेंट ऑफ सोलवेंट मोलिक्यूल फ्रॉम द लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन थ्रू द सेमी इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस तो क्या होगा यहाँ पे जो मूवमेंट होगा वो ऐसे होगा यहाँ पे भी मूवमेंट जो होगा यहां से यहाँ पे होगा तो क्या हो रहा है नेट फ्लो हो रहा है सॉल्वेंट का यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट तो इस साइड से सॉल्वेंट क्या हो रहे इस साइड में पास हो रहे यहाँ पे भी क्या होगा नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट ये सिर्फ सॉल्वेंट को पास कर सकता है सोल्यूट को पास नहीं कर सकता और लो कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है सॉल्वेंट क्या होता है एक्सेस होता है मतलब उसकी क्वांटिटी क्या होती है ज्यादा होती है यहाँ पे भी ये क्या होगा एक्सेस होगा तो सिर्फ सॉल्वेंट की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसे पास कर सकता है सिर्फ सॉल्वेंट को पास कर सकता है इसलिए यहाँ पे मूवमेंट ऐसी होगी और यहाँ पे भी मूवमेंट ऐसी होगी तो अभी देखो ऑस्मोसिस क्या है ऑस्मोसिस के लिए ये दोनों डायग्राम इंपॉर्टेंट है इस पर क्वेश्चन भी आता है डिफाइन द टर्म ऑस्मोसिस ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस तो ये उसके डायग्राम है ये डायग्राम किसके ऑस्मोसिस के तो देखो क्या होगा डेफिनेशन द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मोलिक्यूल तो सॉल्वेंट मोलिक्यूल का मूवमेंट जो होगा वो होगा फ्रॉम द लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन सोल्यूशन के लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सिर्फ सेमी अगर सिंपल लगाओगे तो नहीं होगा विथ uh, जब पास करोगे सेमी परमिएबल मेम्बरेन से उसे क्या कहा कहोगे उसे कहा जाएगा ऑस्मोसिस मीन्स ऑस्मोसिस इज द फ्लो ऑफ सोलवेंट मोलिक्यूल फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन टूवर्ड द हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोलूशन थ्रू द सेमी मेम्ब्रेन तो दो सोल्यूशन को आप जब सेपरेट करोगे और बीच में सेमी परमिबल मेम्ब्रेन लगा दोगे तो सोलवेंट का मूवमेंट क्या होगा जो सोल्यूशन का लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा उसकी तरफ से हायर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन है तो लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या हो रहा है ये सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इसे ही क्या कहा जाएगा ऑस्मोसिस कहा जाएगा तो यहां पे भी देखो क्या होगा वेन सोल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट सोल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट को हमने सेपरेट किया बाय द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और दो सोल्यूशन जिनका कॉन्सेंट्रेशन अलग था उनको सेपरेट किया हमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से तो सिर्फ क्या हुआ मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल हुआ सॉल्वेंट मोलिक्यूल थ्रू द मेम्ब्रेन तो सिर्फ सॉल्वेंट का क्या हो सकता है मूवमेंट पॉसिबल है सोल्यूट का मूवमेंट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो ऑस्मोसिस समझ में आ गया होगा ऑस्मोसिस क्या होगा द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मोलिक्यूल फ्रॉम द लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन टूवर्ड्स द हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अभी दोनों दोनों डायग्राम सेम ही थे एक को मैं मिटा रही हूँ अभी हमें देखना है ऑस उस, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है तो ऑस्मोसिस समझ में आया ऑस्मोटिक प्रेशर देखो क्या हो रहा है तो हमने देखा कि ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था सिर्फ मूवमेंट ऑफ क्या हो रहा है यहाँ पे सॉल्वेंट मोलिक्यूल हो रहा है ओके तो देखो यहाँ पे ये यह जो ऑस्मोसिस हो रहा है तो ऑस्मोसिस का फ्लो क्या है इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक प्रेशर होगा और यहाँ पे भी एक प्रेशर होगा कौन सा प्रेशर होगा ये एटमोस्पेरिक प्रेशर दोनों साइड से इक्वल था तो ऐटमोस्पेरिक प्रेशर दोनों साइड से इस साइड से भी एटमोस्पेरिक प्रेशर है और इस साइड से भी ऐटमोस्पेरिक प्रेशर है इक्वल है तभी क्या हो रहा है फ्लो हो रहा है अभी हमें क्या करना है इस फ्लो को रोकना है ये जो ऑस्मोसिस हो रहा है इसे रोकना है तो कैसे रोकोगे अगर कोई डोर दो, दो, है वो डोर क्लोज हो रहा हो तो हम क्या करते हैं? उसके अपोजिट साइज में क्या करते हैं? फोर्स लगाते अगर ये मूवमेंट ऐसी है तो हमें क्या करना पड़ेगा इस साइड से ऐसा फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ये मूवमेंट ना हो सके तो अगर इस मूवमेंट को रोकना है हमें तो इस साइड से हमें क्या करना पड़ेगा प्रेशर लगाना पड़ेगा कितना प्रेशर लगाएंगे हम उतना प्रेशर जो इस ऑस्मोसिस को रोक सके उसी को क्या, क्या कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर तो ये क्या होगा ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट किया जाता है बाय द सिंबल ऑफ पाई तो समझ लो अच्छे से पहले क्या था दोनों साइड से क्या हो रहा था यहां पे दोनों साइड में क्या थे यहाँ पर सो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन प्रेजेंट थे तो लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या हो रहा था मूवमेंट हो रहा था उसी को क्या कहा जाता है इस मूवमेंट को क्या कहा जाता जा है ऑस्मोसिस कहा जाता जा है हमें इस मूवमेंट को रो रोकना है तो अभी देखो ये और कंटेनर यहाँ भी ओपन है यहाँ भी ओपन है यहाँ पे भी एटमोस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है यहाँ पे भी एटमोस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो अगर हमें इस मूवमेंट को रोकना है तो हमें इस साइड से प्रेशर लगाना पड़ेगा अगर पार्टिकल इस साइड से इस साइड में जा रहे हैं सॉल्वेंट के तो हम इस साइड से क्या करेंगे उसे प्रेशर लगा के इस मूवमेंट को रोकेंगे तो उस प्रेशर को क्या कहा जाता है ऑस्मोटिक को रोकने वाला प्रेशर है इसलिए उसे क्या कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर और जिसे डिनोट किया जाता है पाए से तो ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे डिफाइन करोगे इस पर भी बहुत बार क्वेश्चन आता है डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर तो क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर द नेट मूवमेंट नेट मूवमेंट होगी नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मोलिकूल तो हमें पता है सेमी परमिबल मेम्ब्रेन से क्या होते हैं सोलवेंट मोलिक्यूल ही क्या होते हैं पास होते हैं मोलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्वेंट टू सोल्यूशन सॉल्वेंट की तरफ से क्या हो रहे है सोल्यूशन की तरफ मूव हो रहे उनको हम क्या कर सकते स्टॉप कर सकते कैसे स्टॉप करेंगे देखो डायग्राम में कैसे स्टॉप किया है बाय अप्लाइंग क्या अप्लाई करना है हमें सम एक्स्ट्रा प्रेशर मतलब एटमोस्फेरिक प्रेशर तो है ही उसके साथ हमें क्या करना है कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर भी क्या करना पड़ेगा अप्लाई करना पड़ेगा कहाँ पे ओवर द सोलूशन साइड तो ये सोल्यूशन ये आपका क्या था सॉल्वेंट था और ये क्या है सोल्यूशन साइड तो ओवर द सोलूशन साइड इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर और जिसे क्या है पाए से क्या किया जाता है डिनोट किया जाता है तो डेफिनेशन को अच्छे से समझ लो द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मोलिक्यूल जो सॉल्वेंट मोलिक्यूल की मूवमेंट हो रही है कहाँ से सॉल्वेंट की तरफ से सोलूशन की तरफ इसे हम स्टॉप कर सकते हैं कैसे स्टॉप किया बाय एप्लाइंग एक्स्ट्रा प्रेशर ओवर द साइड ऑफ द सोल्यूशन सोल्यूशन के साइड पे हमने एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया और इस मूवमेंट को रोका उसी को क्या कहा जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाएगा और जिसे डिनोट किया जाता है बाय द सिंबल ऑफ पाए इसपे और एक क्वेश्चन आता है क्वेश्चन कैसे होता है देखो एक्सप्लेन द फिन ऑफ ऑस्मोसिस इन टर्म ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर विद नीट एंड लेबल डायग्राम तो देखो ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर को इस डायग्राम से क्या किया जाता है एक्सप्लेन किया जाता है आई थिंक ये आपके बुक में नहीं दिया है तो देखो ऑस्मोसिस कैन बी डेमोस्ट्रेटेड डेमोस्ट्रेटेड मतलब हम इससे क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं ऑस्मोसिस को कैसे बाय दिस एक्सपेरिमेंट सेटअप ये भाई यहाँ पे देखो ये एक्सपेरिमेंट सेटअप है जहाँ पे यहाँ पे क्या है सेमी परमिबल मेम्ब्रेन यहाँ पे लगा हुआ है कहाँ पे ऑन द माउथ ऑफ द थीसल ट्यूब तो ये जो थीसल ट्यूब है इसके माउथ पे क्या लगाया गया है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाया गया द सोल्यूशन इंटरेस्ट इज प्लेस इन साइड एंड द इन्वर्टेड थीसल ट्यूब तो क्या किया है एक सोल्यूशन को इसमें फिल किया है कौन सा सोल्यूशन है शुगर सोल्यूशन और दिस पार्ट ऑफ ट्यूब एंड द मूवमेंट आर इमर्स्ड इन टू द कंटेनर ऑफ प्योर वाटर तो इस पार्ट को क्या कर दिया प्योर वाटर के कंटेनर में क्या कर दिया इसे डीप कर दिया क्या होगा देखो अ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस का रिजल्ट क्या होगा कुछ सॉल्वेंट के पार्टिकल क्या हो जाएंगे दे पासिस थ्रू मेमब्रेन इन टू द सोल्यूशन तो इस मेम्बरेन थ्रू क्या होंगे पार्टिकल क्या होंगे पास होंगे कहाँ पे जो ट्यूब के अंदर सोल्यूशन है वहाँ पे क्योंकि लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या हो रहा है यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है इट कॉज द लिक्विड लेवल इन द ट्यूब राइज तो धीरे धीरे क्या होगी लिक्विड लेवल क्या हो जाएगी राइज होगी कहाँ पे ट्यूब में तो जो कॉलम होगा लिक्विड का कॉलम इन द ट्यूब ये क्या करेगा ये क्या करेगा क्रिएट करेगा कौन सा प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जिसे एच जी का एच पी भी कहा जाता है एच जी कहा जाता है तो ये क्या है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को क्या करेगा यहाँ पे रिच करेगा और पुश करेगा सॉल्वेंट को ऊपर की तरफ कंटेनर की तरफ तो यहाँ पे क्या होगा जो कॉलम होगा लिक्विड का ये जो राइज़ हो रहा है ये थोड़ी देर के बाद क्या होगा राइज होना कम हो जाएगा क्यों क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या हो रहा है डेवलप हो रहा है ये प्रेशर सफिशियंट है टू फोर्स द सॉल्वेंट बैक तो ये प्रेशर क्या करता है इस सॉल्वेंट को जो इंक्रीज़ कर रहा था उसे फोर्स कर रहा है वापस जाने को तो ये जो मेम्ब्रेन होगी यहाँ पे कंटेनर की ये क्या होगी सेम रेट से क्या करेगी जितने रेट से सोल्यूशन एंटर हुआ था उतने रेट से उसे क्या करेगी बाहर निकालेगी और यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम रीच होगा तो इक्विलिब्रियम ही हो, हो जाएगा जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाएगा इक्वल जितने सॉल्वेंट के पार्टिकल ऊपर जा रहे थे उतने ऊपर से नीचे आएंगे दोनों साइड का क्या हो जाएगा फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाएगा और यहाँ पे हाइट जो होगी कॉलम ट्यूब की ये क्या हो जाएगी फिर कांस्टेंट हो जाएगी एट इक्विलिब्रियम पहले बढ़ रही थी कम हो रही थी बढ़ रही थी कम हो रही थी पर बट जैसे इक्विलिब्रियम रीच करेगा ये जो हाइट होगी वो क्या हो जाएगी कांस्टेंट हो जाएगी एक ही ये क्या इंडिकेट करती है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हैज स्टॉप ऑस्मोसिस तो इस प्रेशर ने क्या किया ये जो ऑस्मोसिस हो रहा था उसे क्या कर दिया स्टॉप कर दिया तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो ऑस्मोसिस को स्टॉप करता है उसे क्या कहा जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर उसे पाए से क्या किया जाता है डिनोट किया जाता है ऑफ द सोल्यूशन तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इट इज इक्वल टू एच पी जी वेयर एच इज द हाइट ऑफ कॉलम एच पी जी नहीं होता एक्चुअली ये इज इक्वल टू क्या होगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज इक्वल टू एट रोजी होगा एच रोजी तो एच क्या होगा यहाँ पे इट इज द हाइट ऑफ द कॉलम रो क्या होगा डेंसिटी होगा और जी क्या होगा एक्सलेशन ड्यू टू द्रेविटी तो ये क्या होगा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ही क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर जो क्या कर रहा है ऑस्मोसिस को रिवर्स कर रहा है तो इस डायग्राम से भी उसे क्या किया जाता है एक्सप्लेन किया जा सकता है तो आपके एक्सरसाइज में और एक क्वेश्चन है व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑन द साइड ऑफ सोल्यूशन दैट स्टॉप द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एज द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या फिर इसे हम ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं द एक्सेस प्रेशर ऑन द साइड ऑफ सोल्यूशन दैट स्टॉप द नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इन डो सोल्यूशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्रेन उसी को क्या कहा जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाएगा या पहले हमने जो लिखी थी डेफिनेशन वो भी आप क्या कर सकते हो लिख सकते हो तो चलो कुछ टर्म देखने अभी हमें पहली टर्म है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट आर आइसोटोनिक सोल्यूशन हाइपरटोनिक सोल्यूशन देन हाइपोटोनिक सोल्यूशन तो इन तीनों में से कोई तो भी एक एग्जाम एक में आता है विथ एग्जाम्पल तो देखो पहला है आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होगा तो दो या दो से ज़्यादा सोल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा सेम होगा पाई की वैल्यू क्या होगी दोनों के लिए सेम होगी उनको क्या कहा जाएगा आइसोटोनिक सोल्यूशन आइसो मतलब सेम टोन मतलब कॉन्सेंट्रेशन तो देखो पॉइंट वन मोलर यूरिया एंड पॉइंट मोल मोलर शुक्रो जो है इनके पाई वन की सपोज इसका पाई वन इसे पाई टू कंसिडर करते हैं तो दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होंगे सेम होंगे इक्वल होंगे तो इनको क्या कहा जाएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब न्यूमेरिकल में कहीं पे आपको दिया आइसोटोनिक सॉल्यूशन तो समझ लेना है कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है सेम सो पॉइंट वन मोलर यूरिया सॉल्यूशन एंड पॉइंट वन मोलर सुक्रो सॉल्यूशन आर द आइसोटोनिक बिकॉज द ऑस्मोटिक प्रेशर आर इक्वल ये जो सोल्यूशन होते हैं इनका सेम मोलर कॉन्सेंट्रेशन होता है जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगा वो सेम होगा बट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर लीटर ग्राम पर लीटर ये कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा दोनों का डिफरेंट होगा और जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है जो हमने कैपिटल एम यहाँ पे लिखा है वो क्या होता है दोनों का सेम होता है तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन दोनों का सेम होगा अगर इन दोनों सोल्यूशन को हम सेमी परमिबल मेम्ब्रेन से क्या करते हैं सेपरेट करते हैं इन दोनों सोल्यूशन को तो यहां पे क्या होगा नो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इन आइदर साइड दोनों में से किसी भी साइड में क्या है सॉल्वेंट का फ्लो नहीं होगा क्योंकि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या है सो so, सेम है और ये क्या है आइसोटोनिक सोल्यूशन है सेकेंड टर्म देखो हाइपरटोनिक सोल्यूशन तो क्या होता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन टू और मोर सोल्यूशन हैविंग द अनइक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब दो में से किसी एक सोल्यूशन का क्या होगा ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा और दूसरे का क्या होगा कम होगा जो मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होता है जिसका हाइयर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसे क्या कहा जाएगा हाइपरटोनिक मतलब दोनों को कंपेयर किया जाएगा तो दोनों में से जिसका कॉन्सेंट्रेशन या ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है उसे क्या कहा जाएगा हाइपरटोनिक सोल्यूशन इसका एग्जाम्पल देखो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है सुक्रोज सोल्यूशन का ये हाइयर होता है दैन दो यूरिया तो सुक्रोज का क्या होगा यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर किससे ज़्यादा होगा यूरिया से क्या होगा ज़्यादा होगा तो इसे हम पाए वन कहेंगे इसे पाए टू कहेंगे तो पाए वन क्या है पाए टू से ज़्यादा होगा इसका तो हम क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे कह सकते हैं सुक्रोज सोल्यूशन इज हाइपरटोनिक टू यूरिया सोल्यूशन तो सुक्रोज सोल्यूशन क्या है हाइपरटोनिक है टू तो द यूरिया सोल्यूशन क्यों क्योंकि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा है इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा हाइपरटोनिक टू यूरिया थर्ड टर्म देखो हमें देखनी है हाइपोटोनिक सोल्यूशन तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होगा टू और मोर सोल्यूशन हैविंग अन एकवल ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे मोर डायलोटेड मोर डायलूटेड मतलब लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन जो होगा उसका लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उसे क्या कहा जाएगा हाइपोटोनिक सोल्यूशन जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा था वही एक बार देखो यहाँ पे क्या था सुक्रोज जो था सुक्रोज का जो ऑस्मोटिक प्रेशर था वो किससे यूरिया से क्या था ज़्यादा था तो इसके ऑस्मोटिक तो प्रेशर की वैल्यू भी क्या होगी यूरिया से ज्यादा होगी तो ये क्या हो गया ये हो गया हाइपरटोनिक टू यूरिया और ये हो गया हाइपोटोनिक टू सुक्रोज तो इस एग्जाम्पल में हम क्या कह सकते हैं यूरिया सोल्यूशन इज द हाइपोटोनिक टू द सुक्रोज सोल्यूशन तो ये क्या होगा हाइपोटोनिक होगा और ये क्या होगा हाइपरटोनिक होगा मतलब दो सॉल्यूशन को कंपेयर करो दोनों का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो उनको आइसोटोनिक कहोगे दोनों का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है अनइक्वल है दोनों का सेम नहीं है तो जिसका ज़्यादा होगा उसे हाइपरटोनिक और जिसका कम होगा उसे हाइपोटोनिक ऐसे कहा जाता है तो आज के लिए इतना ही था बच्चों इसके जो इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन उन सबको न्यूमेरिकल को रिवर्स ऑस्मोसिस को, को हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए पढ़ते रहिए नोट्स बनाइए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच माई डियर स्टूडेंट्स